चलिए भाई, अल्काइन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का रिवीजन वीडियो है। अल्काइन्स को बनाने के लिए सबसे पहले रिएक्शन जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन सी है, फंगलिंग इट इज विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड में, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम करवाते हैं। तो एनोड पर क्या मिल जाएगा, अल्काइन प्लस CO2 साथ में KOH प्लस हाइड्रोजन है ना। तो इट इज विसिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अनसैचुरेटेड, इसके पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस एनोड पर दिलवा देता है अल्काइन। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कार्बाइड के रिएक्शन वाटर से करवाएंगे ना, इनका हाइड्रोलिसिस है। तो कैल्शियम कार्बाइड इज सॉल्ट ऑफ एसिटाइलिन एंड मैग्नीशियम कार्बाइड जो होता है तो सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन। तो वाटर जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटाइलिन और प्रोपाइन। तो वो एसिटाइलिन या प्रोपाइन को उनके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ हम बोलेंगे, इट इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में रखकर, यदि उस पर उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक करवाते हैं तो एसिटाइलिन बन जाती है, इसको बर्थिंग डॉट सिंथेसिस बोलते हैं। मेथड आउटडेटेड है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर मिलता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म होता है डैट इज एसिटाइलिन, ठीक है। इसके बाद फिर हेलोफॉर्म का डीहैलोजिनेशन है, CH3 इसका सिल्वर पाउडर के साथ हीटिंग करवाएंगे हम, तो AgH निकल जाएगा, फॉर्मेशन हो जाता है किसका यहाँ पर, डैट इज ओ एसिटाइलिन, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा ये कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे टेट्राहैलाइड्स का डीहैलोजिनेशन। तो डीहैलोजिनेटिंग एजेंट्स कौन होते हैं, दैट इज जिंक मीथेनॉल या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। तो चारों BR हटकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो C CCC का फॉर्मेशन हो जाता है। अब टेट्राहैलाइड्स जो होते हैं नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स नहीं होते ना, ये खुद ही किन से बनाए जाते हैं, अल्काइन्स के ऊपर ब्रोमीन एडिशन से। तो हम बोलेंगे उस हिसाब से मैथड जो होती है सिंथेटिकली यूजफुल नहीं होती है, बट इसका अदरवाइज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में काफ़ी यूज होता है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, तो हम बोलेंगे C CC या C CCC को हम यूज करते हैं इनके ग्रुप प्रोटेक्शन के लिए या ग्रुप मास्किंग के लिए, हम इसको यूज करते हैं दैट इज ब्रोमीन को। हम क्या बोलेंगे कि जब हमको C CCC या C CCC को हाइड करना है तो इसके ऊपर ब्रोमीन का एडिशन करवा देंगे, और फिर जब काम हो जाता है तो क्या करवा देंगे, डीहैलोजिनेशन करके C CCC या C CCC को रीजनरेट करवा सकते हैं। तो C CCC या C CCC का जो प्रोटेक्शन होता है वो कैसे होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। और फिर वो जो रिएजेंट जो यहाँ भी अटैक कर सकता था उसको यूज़ करके दूसरी जगह अटैक करवा लेते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर, और उसके बाद फिर इनका रीजनरेशन करवा लेते हैं जिंक इन मीथेनॉल या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन से, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है सिंथेटिकली यूजफुल होती है, फॉर व्हाट पर्पस, तो हम बोलेंगे दैट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ C CCC एंड C CCC, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जैसे टर्मिनल अल्काइन है, इसका रिएक्शन भी हम सोडियम मेटल से करवाएंगे, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन में ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो सोडियम से इसके रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइन बन जाता है। इसमें कार्बन पर क्या रहेगा, दैट कार्बन आयन कैरेक्टर, ये किस पर अटैक करता है, दैट इज ओवर अल्काइल हैलाइड, तो हो जाता है क्या, दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पढ़ा था अपने कार्बन आयन के फेट में, कार्बन आयन जो होता है अल्काइल हैलाइड के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पर अटैक करके क्या करता है, एक्स को हटा के वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देता है। क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो कौन सी, ये जो RX होता है यहाँ पर, इट शुड बी एसेंशियली 1 डिग्री, क्योंकि RX का आर यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा तो जो कार्बन आयन होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो अल्काइल हैलाइड पर एलिमिनेशन करके क्या बनवा देगा, दैट इज अल्कीन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाने के काम में आती है, जिसमें RX का आर शुड बी एसेंशियली 1 डिग्री, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाले रिएक्शन जो होती है, इसमें हमने क्या लिया, दैट इज विसिनल डाइकार्बोनाइल। इस विसिनल डाइकार्बोनाइल पर हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, दैट इज ऑफ दिस हाइड्रोजीन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉस ऑफ वाटर से दोनों C डबल बॉन्ड ऊपर क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड इन NH2, C डबल बॉन्ड इन NH2 में, दैट इज व्हाट द हाइड्रोजोन बन जाएगा। अब इस हाइड्रोजोन का हम क्या करवाते हैं, हीटिंग विद HGO। तो HGO में से क्या निकलेगा, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है, तो इसको गर्म करने पर नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, या ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगी, फॉर्मेशन होता है किसका, नाइट्रीन हो जाएगा लॉस बाय फ्रैगमेंटेशन। तो दोनों कार्बन पर बनेगी क्या, कार्बीन, और कार्बीन के आपस के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 pi bonds बन जाते हैं, तो यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज ऑफ अल्काइन, ठीक है। इसके बाद फिर अगले रिएक्शन जो हम बोलते हैं वो कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डायहैलाइड, ठीक है। तो विसिनल डायहैलाइड या जर्मेनिल डायहैलाइड हम कुछ भी ले लें, क्या करवाएंगे, हम बोलेंगे जो हमको टर्मिनल अल्काइन बनवानी होती है तो हम क्या करते हैं,
फर्स्ट स्टेप में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यहाँ दो बार होगा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम बोलेंगे अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2, ठीक है। और मतलब अल्कोहलिक क्यूएच लेते हैं फर्स्ट स्टेज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए, और NaNH2 लिया जाएगा किसके लिए, दैट इज फॉर सेकंड स्टेज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है हम बोलेंगे इट इज वेसिन डायहैलाइड के ऊपर अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हम डालते हैं किसको, दैट NaNH2 को, तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ दिस टर्मिनल अल्काइन। समझ आ गई बात, ये तो एसिटाइलिन प्रोपाइन या दूसरी कोई सी भी टर्मिनल अल्काइन जब भी हमको बनानी हो तो हम क्या करते हैं अल्कोहलिक क्यूएच और NaNH2 के साथ हीट करवाते हैं, तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है टर्मिनल अल्काइन का। इंटरनल अल्काइन जब बनानी होगी तो विसिनल या जर्मेनिल डाइहैलाइड पर हम डालेंगे जिसको, दैट अल्कोहलिक क्यूएच विथ हीटिंग, ठीक है। तो अल्कोहलिक क्यूएच विथ हीटिंग करने से कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे यहाँ पर इंटरनल अल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता है, है ना। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है, हम बोलेंगे NaNH2 और QOH जो होते हैं ये क्या भी रहेंगे, तो हम बोलेंगे ये अल्काइन्स के लिए आइसोमराइजिंग एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है। QOH जो होता है क्या करता है, तो हम बोलेंगे QOH जो होता है टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल में बदलता है, और NaNH2 क्या करता है इंटरनल अल्काइन को टर्मिनल में बदलता है, ठीक है। तो ये दोनों आइसोमराइजिंग एजेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से यदि हमको टर्मिनल बनानी थी अल्काइन, और यदि हमने सिर्फ NaNH2 ले लिया तो कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे कि मतलब सिर्फ अल्कोहलिक क्यूएच ले लिया हमने तो अल्काइन बनकर क्या हो जाएगी, आइसोमराइज हो जाती है, ठीक है। और कौन सी चीज़ें, वैसे जब हमको इंटरनल अल्काइन बनानी और हमने NaNH2 ले लिया तो इंटरनल अल्काइन बनकर वो आइसोमराइज हो जाती है, किसमें, दैट इज इनटू टर्मिनल अल्काइन। समझ आ गई बात, ये तो इस वजह से ये वाला प्रिकॉशन हमको लेना पड़ता है ना, जो हमको टर्मिनल अल्काइन बनानी हो तो फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2 तो टर्मिनल अल्काइन बन जाती है, सेकंड स्टेप में सेकंड पांच जब हमको इंटरनल अल्काइन बनानी है तो सिर्फ QOH लिया जाता है। समझ आ गई बात, ही इसमें एक चीज और जो ध्यान में रखने वाली वो कौन सी है कि NaNH2 जो हम लेते हैं तो NaNH2 क्या होता है, इट इज सॉल्ट ऑफ अमोनिया, इन टर्मिनल अल्काइन आर व्हाट स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अमोनिया, तो ये वीक एसिड अमोनिया को इसके सॉल्ट से हटा के क्या बना लेते हैं यहाँ पे सी नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, तो हमको क्या मिलेगा अल्काइन का सॉल्ट मिलता है एक्चुअली टर्मिनल अल्काइन के टाइम पर। तो यदि हमको सॉल्ट ऑफ अल्काइन को अल्काइन में बदलना है तो वहाँ पर फिर क्या डालना पड़ता है, वाटर डालना पड़ता है, जो क्या करेगा अल्काइन को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके नॉर्मल अल्काइन में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ गई बात, ही तो ये वाली चीज़ एक ध्यान में रखने वाली अच्छे से, है ना, कि टर्मिनल अल्काइन के सिंथेसिस के टाइम पर अल्काइन मतलब रिएक्शन जब खत्म हो जाती है तो प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं वाटर के साथ वॉश करते हैं, तो वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्काइन पे, तो वो वीक एसिड अल्काइन को उसके सॉल्ट में से हटा के अल्काइन में कन्वर्ट कर देता है। जगह बात ही क्या था, दिस वॉज दैट रिविजन वीडियो फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स।